आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी धाम में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने सुरक्षा से संबंधित सभी कार्यों को बखूबी पहले से ही कर लिया था। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पॉइंट और मंदिर प्रांगण एवं मंदिर परिक्रमा क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र नवरात्र मेले के अवसर पर मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, साथ ही निरीक्षण भी किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को पिछली बार की तरह इस बार भी 10 जोन 21 सेक्टर्स में बांटा गया है। 2 और 3 शिफ्टों में अलग अलग स्थानों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी पर लगे सभी पुलिस कर्मियों की एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि जितने भी श्रद्धालु आए उनको भव्य और बड़ी सरलता से दर्शन हो पाए। महिला श्रद्धालुओं की विशेष सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगाकर सक्रिय किया गया है। साथ ही महिला श्रद्धालुओं की विशेष सुरक्षा को देखते हुए मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड भी सक्रिय रहेगा। पॉकेटमार और चोरों को विगत दिनों में 300 से भी अधिक लोगों को पहले से ही पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। मेले के दौरान ऐसा कोई गिरोह अथवा कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने दूर दराज के श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि आप माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए आए और आपका हम पुलिस विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं देते हुए आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। भव्य और दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी आप बने और उसका भी लुत्फ उठाएं। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ने और क्या कहा। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट। क्या तैयारियां? जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्र के अवसर पर प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा संपूर्ण जो प्रबंध है वो कर लिए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछली शारदीय नवरात्रि की तरह ही पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन 21 सेक्टर में बांटा गया है। एडिशनल एसपी स्तर से लेके सिपाही स्तर तक की महिला सिपाही एवं अन्य होमगार्ड से लेके जो अन्य भी जो हमारे लोग इसमें सहयोग करने वाले हैं सभी की ड्यूटी लगाई गई है। 3 शिफ्टों में एवं 2 शिफ्टों में अलग अलग जगहों पर ड्यूटियां लगाई गई है। इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि जितने भी हमारी श्रद्धालु जन आए यहाँ पे उनका भव्य और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो, सुरक्षा के एवं अन्य सुविधाओं के अच्छे इंतजाम रहे एवं साथ ही साथ महिला सुरक्षा के ऊपर भी स्पेशल ध्यान है जिसमें कि मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगातार सक्रिय रहेगा। ऐसे जितने भी लोग हैं जो पॉकेट मार हैं या चोर हैं या इस तरीके के लोग हैं उन पे कार्रवाई करके विगत दिनों में करीब 300 से ज्यादा लोगों को पकड़ के इसमें जेल भेजा गया है और ऐसे लोग मेला के दौरान अगर सक्रिय भी हुए तो उनको पकड़ के उनपे कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इत्यादि भी करवाई जाएगी। और आपके माध्यम से मैं चैत्र नवरात्र के अवसर पर जितने भी हमारे श्रद्धालु जन हैं उन सभी को आमंत्रित भी करता हूं जनपद मिर्जापुर में, शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं एवं इस अवसर पर बढ़ चढ़ के जितने भी श्रद्धालु जन हैं जनपद मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम यहां पर आए पूजा अर्चना करें एवं जनपद मिर्जापुर में अन्य भी जो कार्यक्रम इस बार जो आयोजित किए जाने हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है अन्य है उसका भी हिस्सा बने। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि सुरक्षा के पूरे प्रबंध एवं अन्य सुविधाओं के पूरे प्रबंध प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा किए गए हैं और इस बार भी भक्तों को अच्छा दर्शन यहां पे करने को मिलेगा। पर गंगा घाटों पर क्या सीसीटीवी कैमरा किस तरीके से लगाया गया? पूरे मेला क्षेत्र में हर जगह पे चाहे मंदिर प्रांगण हो चाहे अन्य जगह हो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य किया गया है। जो हमारे मैनुअल जो फोर्स है उसके अलावा जो तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरा है उसके अंतर्गत भी पूरे मेला क्षेत्र को लिया गया है। साथ ही साथ सादे में भी हमारे लोग लगाए गए हैं, हमारे महिलाओं की स्पेशल स्क्वाड भी सादे में रहेंगे और हर तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस हमारा चलता रहेगा। हमारे ऐसे कैमरा यहाँ पे लगाए जा रहे हैं जिससे कि बैठे बैठे अपने कार्यालय में भी ऑब्जर्व कर लेंगे कौन क्या गतिविधि वहां पे कर रहा है। इस तरीके से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पब्लिक को साथ लेते हुए, मीडिया बंधुओं को साथ लेते हुए, सभी श्रद्धालुओं को साथ लेते हुए जनपद मिर्जापुर विंध्याचल धाम में मेला चैत्र नवरात्र का सर्वश्रेष्ठ ढंग से संपन्न कराया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा